मैं सीमा धाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गुड़ और आटे से और तिल डाल के जो शक्कर पारे बनाए जाते हैं वो बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है, एक छोटी चम्मच तिल लिया है और मोयन के लिए दो छोटी चम्मच, जब हम आटा गीला करेंगे तब हम मोयन डालेंगे, और ये गुड़। तो इसके लिए मैंने पानी में बॉईल करके एक गुड़ का पानी तैयार करके रख लिया है। सबसे पहले हम ये आटा लेंगे, तिल्ली डालेंगे, दो छोटी चम्मच तेल डालेंगे और गुड़ के पानी से आटा गीला करेंगे, एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। अब इसकी हम दो लोई बना लेंगे और दोनों के लिए पतली पतली रोटी तैयार कर लेंगे। इसकी हम दो रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। इधर हम गैस भी ऑन कर देंगे, तब तक हम पहले इसकी एक रोटी बना लेते हैं। ये मैंने एक रोटी बना ली है और अब हम इसे शक्कर पारे की शेप देते हुए इसे काट लेंगे। ये दूसरी रोटी भी हमने इसी तरह बेल ली और अब इसे भी हम काट लेंगे। इसे हम इस तरह से चाकू की मदद से इसे उठा लेंगे। तेल को हम मीडियम कर देंगे और शक्कर पारे हम तेल में छोड़ देंगे। इन्हें हम फिर अलग अलग कर लेंगे। इसे हम अच्छे से लाल होने देंगे। ये देखिए एकदम ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और हम इसे निकाल लेंगे। ये गुड़ और तिल से बने हुए आटे के शक्करपारे तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं सीमा धाबाई, धन्यवाद।